हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी एल लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग डेसिमल, यानी डेसिमल को कंपेयर किस तरह से किया जाए। तो ये कह रहे हैं कि कैन यू टेल विच इज ग्रेटर 0.07 और 0.1। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है, यानी कि कौन सा बड़ा है, 0.07 या फिर 0.1। तो इसके लिए इन्होंने समझाया है कि टेक टू पीसेस ऑफ स्क्वायर पेपर ऑफ द सेम साइज, यानी कि ये दो स्क्वायर पेपर लो सेम साइज के, डिवाइड देम इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, उनको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे कि इन्होंने किया है 10 इस तरह से, 1 2, ये 10 लाइन इस तरह से खींचिए और 10 फिर इस तरह से खींचिए, तो ये 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। जो खाने दिख रहे हैं ना, ये कितने हैं, इनको यदि आप काउंट करोगे तो ये 100 खाने बन गए हैं। ठीक है, यानी कि ये छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे हैं, ये बड़े स्क्वायर है, बड़े स्क्वायर के अंदर जो छोटे छोटे स्क्वायर है वो कितने हैं, टोटल वो 100 है। ठीक है, तो फिर क्या कह रहे हैं कि फॉर 0.07 वी हैव टू सीड 7 पार्ट आउट ऑफ 100। तो 0.07 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो 100 में से 7 पार्ट को करेंगे शेडेड, जो इच्छा के इन्होंने किया है। और 0.1 के लिए क्या करेंगे, 10 पार्ट को शेड करेंगे, एक ग्रेड के 10 पार्ट को शेड करेंगे। तो 1/10, यानी कि या तो ये कितने कितने खाने हैं, हम सिर्फ इसी को लेना चाहें, ये कितने स्क्वायर हैं, टोटल 10 स्क्वायर हैं, एक बड़े स्क्वायर में जो 10 स्क्वायर हैं उनको शेडेड किया, तो इसको हम या तो 1/10 बोले या फिर 100 के साथ में बोलना चाहेंगे तो 10, 1 2 3 ऐसे एक एक करके काउंट कर लेंगे, तो 10/100। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल ही माने जाएंगे, चाहे तो 1/10 बोल लो या फिर 10/100 बोल लो। सो फॉर 0.1 शेड 10 पार्ट आउट ऑफ 100। तो 0.1 के लिए क्या किया हमने, 100 के 10 पार्ट को शेडेड किया, और 0.7 के लिए क्या किया था हमने, 7 पार्ट को शेडेड किया था। तो इसमें कम है, हम देख पा रहे हैं ज्यादा शेडेड है, तो सीधी सी बात है कि यही बड़ा होगा, कौन सा, 0.1। तो दिस मीन्स 0.1 बिगर देन 0.07। ठीक है, तो लेट अस नाउ कंपेयर द नंबर 32.55 एंड 32.5। तो इन दिस केस वी फर्स्ट कंपेयर द होल पार्ट्स। तो इस केस में क्या करेंगे, पहले हम होल पार्ट को कंपेयर करेंगे 32। तो ये क्या है, डेसिमल के पहले का है, यानी कि वंस और टेंस है इसमें से, तो वैसे तो ये दोनों बराबर ही है। ठीक है, तो वी सी दैट द होल पार्ट फॉर द बोथ द नंबर इज 32 एंड हेंस इक्वल। तो यही ये कह रहे हैं कि ये 32 इधर भी है, 32 इधर भी है, तो क्या है, इसमें होल पार्ट को पहले कंपेयर करना होगा, क्योंकि होल पार्ट से पता चल जाएगा, होल पार्ट बड़ा होगा तो फिर वही बड़ा होगा, तो होल पार्ट से पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि होल पार्ट दोनों के ही इक्वल हैं। तो वी हाउ एवर नो दैट द नंबर आर नॉट इक्वल्स, दैट टू नंबर्स आर नॉट इक्वल्स। तो जो दूसरे नंबर हैं ये वाले और ये वाले, ये इक्वल नहीं है, सो वी नाउ कंपेयर द 10th पार्ट। तो वी फाइंड दैट 32.55 एंड 32.5 द 10th पार्ट इज ऑल्सो इक्वल। तो ये 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, यानी कि जो 10th पार्ट है 1/10 होता है, वो पार्ट तो इस दोनों का इक्वल है। तो वी कंपेयर द 100th पार्ट, फिर हम क्या करेंगे, 100th पार्ट को कंपेयर करेंगे। तो इसमें 5 है, इसमें तो हम क्या करेंगे, 100th पार्ट को अब कंपेयर करेंगे। तो 100th पार्ट को कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे हम, वी फाइंड, हमने क्या देखा, तो हम इनको थोड़ा एक्सपेंड करके देख लेते हैं तो और अच्छे समझ आएगा। जैसे 32.55 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 32 + 5/10 प्लेस पे है, 5/100 एंड 32.5, तो 32 + 5/10 + 0/100, तो देयरफॉर 32.55 बिगर, ये बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है किससे, 32.5, एज द 100th पार्ट ऑफ 32.55 इज मोर। तो 32.55 इसमें 5 है और इसमें 0 है, तो दिख रहा है कि ये बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ कुछ एग्जांपल हैं, उनके थ्रू समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो विच इज ग्रेटर, अब ए और बी दो सॉल्यूशन करेंगे, 1 यानी कि 1 बड़ा है या 0.99। तो वैसे तो हमको दिख रहा है 0.99 है, यानी कि यही बड़ा है। ठीक है, लेकिन फिर भी समझ लेंगे कि ये कैसे बड़ा है। तो सॉल्यूशन है कि 1 किसके बराबर है, 1 + 0/10 और 0/100 के,
और 0.99 किसके बराबर है, जीरो के। यहाँ वंस प्लेस पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ वंस पे वन है और यहाँ 9/10, ये नौवा भाग है टेंथ का और ये हंड्रेड का नौवा भाग है। तो द होल पार्ट ऑफ वन इज ग्रेटर देन द 0.99, तो देयर फोर वन इज ग्रेटर देन 0.99, क्योंकि इसमें आपको वन और ऐड करना पड़ेगा तब आपका वन बनेगा। ये 99th पार्ट है 100 का या फिर 9th पार्ट है 10th का और ये क्या है, पूरा होल है। तो पूरा होल है वही बड़ा है। जैसे हम मानते हैं 1 रुपए में कितना होता है, 100 पैसा होता है, ठीक है, और किसी के पास 99 पैसे हैं और किसी के पास 1 रुपया है, तो सीधी सी बात है 1 रुपए होगा उसी के पास ज्यादा होगा, है ना। 99 पैसा तो ज्यादा नहीं हो सकता। उसी तरह से यहाँ भी है। अब बी है 0.1.09 किसके इक्वल है, 1 + 0/10 + 9/100 + 0/1000 और 1.093 ये किसके इक्वल है, 1 0/10 9/100 और 3/1000। तो इन दिस केस द टू नंबर्स हैव सेम पार्ट्स अपॉन 100। तो इन दो नंबर में जैसे ये वाला है वन होल वाला, ये तो सेम ही है ना, बट द थाउजेंथ पार्ट ऑफ 1.093 इज ग्रेटर देन द 1.09। तो 1.093 बड़ा है, तो देयरफॉर 1.093 इज ग्रेटर देन 1.09, ठीक है। अब इसके बाद हमारा एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट होती है। तो आपने अब तक इतना जो भी समझा है ना उसकी एक्सरसाइज उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।